कम बैक में मैं हूँ आपका अपना राज भाई राज आपके सामने लाया हूँ GS 310 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यू है। शोरूम से निकली तो एक महीने पहले थी, बट भैया ने शोरूम से ला के घर पर खड़ी कर दी क्योंकि काम कराने का इंतज़ार था और उन्होंने थोड़ा सा सर्च कर R&D करी, फिर देखा उन्होंने कि कहाँ कराना चाहिए, तो भैया फाइनली आ चुके हैं हमारे पास। पहले देख लो बाइक के अंदर, अभी जो काम इसका हो चुका है देख सकते हैं, इसमें शॉक प्रोडक्शन फॉक्स लेटरी लग चुका है, इधर आपका रेडिएटर गार्ड लगना बाकी है, इधर आपका क्रैश गार्ड भी लगना बाकी है, इसके अंदर लमशन का काम इसका अंडर प्रोसेसिंग अभी चल रहा है, साथ में हैंडलाइजर लगना है, वाइजर लगना है, GPS माउंट और क्या नाम है आपका मोबाइल होल्डर, हैंड गार्ड, टायर, अगर बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो कि देख सकते हो अभी इसमें अभी चल रही है, होनी बाकी है, जो कि इसमें आपको पता है कि इसमें सारी नीड फिल होती हैं। और साथ में जो मेन है इसके अंदर फॉग लैंप, वो भी इसके अंदर लगने वाला है, लेटेस्ट वाला जो कि मिलेगा कुछ इस तरीके। देखिए ये क्रैश गार्ड है, क्रैश गार्ड देखते हैं ब्लैक लगता है या रेड लगता है, फॉग लैंप आपको मिल जाएगी इसके अंदर, न्यू ऑल वाली विद हार्नेस जो कि मिलती है आपको। हार्नेस का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है, दिखाता हूँ पहले निकाल, ये जो हार्नेस होती है ना सबसे बड़ा एडवांटेज का ये होता है कि इसे लगाने के बाद तो आपकी बैटरी में 1% इफेक्ट नहीं आता किसी भी तरीके का, क्योंकि ये आप पूरा करता है कंट्रोल, क्योंकि ये होते हैं रिले एक तरीके की, जैसे कि लाइक ट्रांसफार्मर होता है ना उसी तरीके का। साथ में स्विचेस वगैरह मिल जाता है आपका, जो कि आपका इसको ऑपरेट करने में ईजी होता है, इधर पूरी वायरिंग मिल जाती है जिससे मिलते कपलर टू कपलर नो अल्ट्रेशन, सिंपली ईजी टू फिटेड हो जाती है आपकी फॉग लैंप के साथ, जो कि देख सकते हो आप इसके अंदर भी आपका कपलर मिलेगा, ये रहा उसी तरीके से ये इसके अंदर कपलर अटैच करके सिंपली ईजी टू फिटेड हो जाती है आपकी हार्नेस वाली फॉग लैंप। ज़रूरी नहीं है ये वाला मॉडल, कोई भी मॉडल इसके अंदर लगा सकते हो, साथ में इसमें हॉर्न भी चेंज होने बाकी हैं क्योंकि इसके अंदर जो हॉर्न आता है वो काफ़ी आता है, यही साइज़ है, बट क्या होता है सिंगल होता है, ये लगेगा इसमें डबल वाला जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर, ये भी लगेगा इसके अंदर, और हैज़ार्ड अभी लगेगा इसका सिमटेक ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर लगना बाकी है, अभी टायर अगर देख सकते हो तो ये लगेगा अभी इसके अंदर, और इसके बाद आप देख सकते हैं GPS माउंट ये भी इसके अंदर लगेगा, वाइजर एक्सटेंडर शायद ये भी इसके अंदर लगेगा, और अभी इसके अंदर वाइजर भी है जो कि लगना है, बाकी देख सकते हो अभी काम अभी चल ही रहा है इसके अंडर प्रोसेसिंग है, अभी करते हैं गाड़ी को कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं, उससे पहले मिलाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को तो मैं थोड़ा लेट हो गया आज, तो भैया बैठे हो फाइनली, तो पूछ लेते हैं भैया से कि अभी तक कैसा उनका एक्सपीरियंस है। तो हाँ जी सर बताइए कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका। एक्सपीरियंस इज़ सो गुड, आपके जितने भी स्टाफ है बहुत ही अच्छे बिहेव वाले हैं, हमारे आपसे आने से पहले इन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा वेल बिहेव किया, और एक एक सामान मेरे को मतलब इसकी क्या क्या हम कैसे कैसे ले सकते हैं वो सब कुछ बताया, और इस पर क्या क्या करने से अच्छा होता है, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मेरे साथ हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके शॉप पे आने के बाद। तो देखा ये तो हमारा भी वेलकम है, अभी तो भैया ने कम से 3-4 घंटे और बैठना है, 3 घंटे और बैठना है, तो 3 घंटे बाद फिर इसको कंटिन्यू भैया का एक्सपीरियंस लेंगे कि 3 घंटे बाद गाड़ी कंप्लीट होने के बाद गाड़ी की लुकिंग कैसी है और भैया का एक्सपीरियंस फाइनली कैसा है। तो चैनल बने रहने के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना राजू भाई SKD को। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसके अंदर जो भी आई थी तो ये नेक्ड थी और इसमें काम चल रहा था, सामान मैंने आपको एक एक करके दिखाया था कि इसके हम क्या क्या लगाने वाले हैं, और अब बहुत कुछ इसके अंदर लग चुका है, जो मैंने नहीं दिखाया वो भी लग गया है, और अब सिर्फ इसके अंदर रह गया, तो सिर्फ और सिर्फ रह गए 2 चीज़ें जो कि टॉप बॉक्स और पैनियर, जब वो लगेंगे नेक्स्ट टाइम भैया का अपना बजट बना के वो लगाने के लिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं जो ना लगाओ। स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट से, तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि मिलता है आपको स्मोक कलर का वाइजर, ये इसके इंस्टॉल कर दिए गए, और इसे लगाने के बाद लुक ना लुक में 4 चांद लग जाते हैं इसे लगाने के बाद, क्योंकि जब भी आप GS लेते हैं तो ये क्या होती है राइडिंग के मतलब की होती है, एडवेंचर के लिए होती है, तो जैसे कि लॉन्ग वाला है तो इसमें क्या होता है जब भी आप राइड करते हो क्या होता है कि आपको क्या है डस्ट वगैरह भी ना आए, प्लस गर्मी के अंदर आपको लू ना लगे, ठंड के अंदर आपको ठंडी शीत लहर ना चले, तो उस केस में ये लगाया है इसके अंदर वाइजर जो कि मिलता है आपको BMW का जर्मन फिटिंग वाला, इसका इंस्टॉल कर दिया गया है, और इसके साथ ही आपको देखने मिलेगा इसके अंदर GPS माउंट जो कि देख सकते हो, और ये GPS माउंट है प्रॉपर फिटिंग, जैसे कि हम पहले आप देखते थे ना, पहले हम क्या करते थे यहाँ पर अपने पास से क्लैंप लगाते थे, बट अब इसके अंदर क्लैंप लगाने की नीड नहीं है, इसके साथ में क्लैंप दे रही है कंपनी, समझदारों को पता है कि अब जो चीज़ें बनती हैं तो उसके लिए क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फिटिंग वाला इसके अंदर लगा देगा इसके अंदर GPS माउंट, और साथ में मिलता है आपको बबलगम वॉल होल्डर जो कि मिलता है आपको वायरलेस प्लस वाटर प्रूफ, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देख सकते हो
ये है आपका एक तरीके से शॉक ऑब्जर्वर इसके अंदर लगे हुए हैं। आपने नॉर्मल तो देखा था मेरी वीडियोज़ के अंदर ज़्यादातर, जो कि मैं वायरलेस वाला दिखाता था, बट ये वायरलेस के साथ साथ ना आपको मिलता है, साथ में देख सकते हो मूवेबल, जो कि आपका शॉक ऑब्जर्वर लगे हुए हैं इसके अंदर, जिससे आपका फ़ोन का लेंस वगैरह भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है इसके अंदर। और मिलता फुल वाटरप्रूफ, और इसकी मिलती है काउंटर प्लेसमेंट 1 ईयर की गारंटी। 1 ईयर गारंटी इसलिए मिलती है इसकी हमारे पास, क्योंकि जब भी ख़राब होता है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा करता हूँ इसको हैंड टू हैंड चेंज, जैसे कि पहले मैं सिमटेक का करता था, बट अब क्या है मैंने चेंज कर दिया, मैं बोबो का लगा रहा हूँ। बोबो के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसका बोबो का, बट बहुत ही ज़्यादा इसके होते क्वालिटी एक नंबर, जैसे कि लुक आपने देखी ली इसकी। और अब इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर हैंड गार्ड जो कि लगा रखे हैं फ्रंट के अंदर ही, ये भी आपको मिलते हैं ओरिजिनल वाले। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं लगाया कि हल्का हो, सारा लगाया इसका ओरिजिनल वाला इसके अंदर मिलेगा आपको। जैसे पहले मैं लगाता था कोई और ब्रांड के, अब मैं लगा रहा हूँ कोई और ब्रांड, तो समझ सकते हो जो क्वालिटी होती है मैं वो यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, जिसकी मिलती है पूरी। ये रॉड ना एल्युमिनियम की रॉड है इसके अंदर, पहले जो लगाता था उसके अंदर लोहे की रॉड आती थी, इसके अंदर मिलती है आपको एल्युमिनियम की रॉड, और स्मोक कलर का आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये वाला प्लास्टिक का फाइबर है कलर, जो कि आपके हैंड को और आपके लीवर को दोनों करता प्रोडक्ट सेम, इधर सेम मिलेगा आपको इस तरफ। लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है लगने के बाद दोनों तरफ से, और उसके बाद आपको दिखने मिलेगा नीचे की तरफ, जो कि मिलेगा शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर। शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर का वैसे तो आपको पता ही है यूज़ होता है, फिर बता देता हूँ, ये आपका जो शॉकर होता है ना, USD शॉकर होता है, इसको करता है पूरी तरीके से, साथ में लुक भी होते हैं काफ़ी इनहेंस इसे लगाने के बाद। सेम इधर और गोल्डन शॉक ऑब्जर्वर होते हैं तो उसी के मैचिंग का लगा दिया जाता है ये। बाकी आप चाहो तो इसमें कोई और कलर भी ले सकते हो, सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर। और सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेक करो दोनों तरफ से, जिससे आपकी डिस्प्ले वगैरह होती है पूरी तरह से, क्योंकि इस तरफ क्या होता है ये इसकी डिस्प्ले डेविजेट होती है ना, ये इसको भी करता है पूरी तरीके से सेफ। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, देखिए ये रेडिएटर गार्ड है जो कि स्टेनलेस स्टील के लगा देगी इसके अंदर। और इधर आपको देखने मिलेगा GS 310 ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है मेटल वाला आपको सम गार्ड, जो कि करता है पूरी तरीके से सेफ इंजन को भी और ऊपर रेडिएटर को भी, क्योंकि रेडिएटर सेंसिटिव पार्ट होता है तो रेडिएटर गार्ड लगाना इसलिए ज़रूरी होता है। और नीचे होता है आपका ऑयल फिल्टर, तो वो दोनों चीज़ें होती हैं आपकी सेफ ये लगने के बाद। और साथ में आपको हैंडल के अंदर ही देखने मिलेगा हैंडल राइजर, ये देख सकते हैं हैंडल राइजर, ये भी इसके इंस्टॉल कर दिया गया। हैंडल राइजर लगाने से क्या होता है, जिन लोगों को राइडिंग में प्रॉब्लम होती है, कंफर्ट फील नहीं होता, उन लोगों के लिए हैंडल को राइज करने के लिए एक राइजर लगा दिया जाता है, जिससे आपका 1.5 इंच ही आपका हैंडल राइज हो जाता है, जो लगाने में चलने में ना काफ़ी ईजी होता है, स्मूथ चलती है आपकी बाइक, आपको पेन वगैरह नहीं होता आपके शोल्डर्स वगैरह में, उस केस में से लगाया जाता है। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड, ये देख सकते हो क्रैश गार्ड प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड है जो कि लगा दिया गया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं हल्का सा पतला सा लगा देते हैं, बट क्या होता है हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट आपको क्वालिटी दें इसके अंदर, जो कि आपने इसमें देखा ये देखिए। और ये मिलता है पूरा वन पीस, इधर से लेकर इधर तक पूरा वन पीस है, कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है। ये मिलता है आपको इस तरफ भी, सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और गाड़ी का जो चेसी का कलर रेड दिया गया है, तो रेड के साथ ही रेड मैचिंग कर दिया गया है इसके अंदर। कलर का कलर की कोई टेंशन नहीं है, कलर इसके अंदर आप कोई भी ले सकते हो, लाइक आपका ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, रेड हो गया, ये सारे कलर हमारे पास आपको मिल जाते हैं इजीली। और साथ में इसमें लगा देगी आपके हैजार्ड, देखिए जितनी बार इसको ऑन ऑफ करूँगा पैटर्न्स हो जाते हैं चेंज। और इसमें मिलते हैं 20 to 25 पैटर्न्स, जो कि मिलता है सिमटेक ओरिजिनल, इसकी मिलती है आपको 1 साल की गारंटी काउंटर रिप्लेसमेंट, जब भी ख़राब हो तो कार्ड लाइए चेंज कराइए हैंड टू हैंड। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको फॉग लैंप, जो कि देख सकते हो ये है आपका आउल वाली न्यू आउल वाली फॉग लैंप, जो मिलती है HJG ओरिजिनल और विद हार्नेस होती है। हार्नेस मैंने जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि हार्नेस क्या होती है, हार्नेस का यूज़ क्या होता है, वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। बैटरी पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और समझ लो आपकी रोशनी इसके अंदर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वायरिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हार्नेस से। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी, ये देखिए ये आपकी हो गई येलो, ये हो गई वाइट, येलो वाइट। और इसके बाद साथ मिलता है आपको ब्लिंकर्स, ये देख सकते हो ये ब्लिंकर्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर, और इसमें टू टू फाइव पैटर्न्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको येलो के अंदर, ये देखिए वाइट के अंदर मिल जाएगा आपको पैटर्न्स सेम। इसके अंदर आपको एक चीज़ और, येलो वाइट है इसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न मिल जाते हैं। तो ये इसके अंदर 4 से 5 पैटर्न आपको ब्लिंकर्स के मिलते हैं, साथ में येलो वाइट और येलो वाइट कंप्लीट, ये इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं इसमें की गई है लेमिनेशन, जो कि जज नहीं कर सकते की है नहीं की है, पन्नी जो लगी होती है ट्रिपल एयर वो हटा दी गई है, शाइनिंग इसकी जैसी होती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है लेमिनेशन करने के बाद, चाहे आपका टैंक हो, चाहे आपका बैक साइड हो, चाहे वो आपका फ्रंट का मडगार्ड, पूरी तरीके से आपको होता है एक नंबर हो लेमिनेशन जो इसमें कर दी गई है। आप चाहो तो इसमें PPF वगैरह भी करा सकते हो, PPF जो होती है वो अलग होती है, उसमें पीसीस वाला काम होता है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि वो कम ही लोग लगवाए और हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बाकी आप चाहो तो वो भी हमारे पास मिल जाती है। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको एग्जॉस्ट स्लाइडर, देख सकते हैं
ये एग्जॉस्ट स्लाइडर है जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। इसे लगाने के बाद ना एक तो आप ना आपका जो एग्जॉस्ट है ये एग्जॉस्ट होता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी पैर रखते हैं ना तो क्या होता है इसके एग्जॉस्ट के प्लेट इस पर निशान आते ही आते हैं और उसको सेफ भी करते, साथ में अगर गाड़ी गिरती भी ना तो साइलेंसर टच नहीं होगा इसे लगाने के बाद। और आपकी जो गाड़ी ब्लैक है तो ब्लैक ही इसके अंदर लगा दिया गया, ब्लैक साइलेंसर है तो ब्लैक ही लगाइए। वैसे गाड़ी का कलर तो ब्लू और वाइट और ग्रे है इसके अंदर। ये तो आपको दिखाई दिया एग्जॉस्ट स्लाइडर, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर एक और चीज़ जो कि लगी हुई है, सुनाता हूँ। ये देखिए इसमें लगा दिए गए हॉर्न जो कि मिलते हैं आपको मिंडा के ओरिजिनल, और इसकी मिलती है आपको 6 मंथ की गारंटी। 90% कोशिश ये करता हूँ कि जो भी आइटम लगे उसकी गारंटी मिल जाए आपको, बाकी जो नहीं मिलती तो मेरे पास से नहीं है तो समझ लो कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो गारंटी वाली चीज़ है वो ज़्यादातर मैं रखता हूँ। और फॉगलेम वगैरह गारंटी आती नहीं है, बाकी आप चाहो तो किसी को एक्स्ट्रा पैसे देकर आप गारंटी लेते हो तो वो बात अलग है, बट मैं एक्स्ट्रा वाला काम नहीं करता। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, साथ में इसमें लगा दिया टायर रगड़। देखिए इसमें मिलता है आपको टायर रगड़ जो कि BMW की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके अंदर, देख सकते हो। और ये होता है प्रॉपर फिटिंग वाला, कोई जुगाड़ नहीं है इसका, सिंपली इजी टू फिटेड है। इसे लगाने के बाद तो डस्ट वगैरह जो आ जाती है ना आगे, इसको करता है पूरी तरीके से कंट्रोल जितना ही कर सकता है, और लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। और अब इसे करते हैं वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट, और अब बुलाता हूँ भैया को कि भैया को कैसा लगा हमारे पास आकर काम करा कर। तो कैसे हैं सर आप, और कैसा लगा आपको ये बताइए। पहले आपने जब आप आए थे आपका काम चल रहा था तब आपका रिव्यू लिया था, अब कैसा लगा अब बताइए। मैंने अब कम्प्लीट हो चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। कैसा लेके आया था अब कैसे लेके जाऊंगा, मतलब ऑसम वर्ल्ड, हर चीज़ आपने गाइड की, ये लेना है वो लेना है, जो मतलब ऐसा ओपिनियन दिया कि मतलब अभी मैं कुछ और ऐड ही नहीं कर सकता इसमें। अभी जो ऐड करना है वो मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा, जो टॉप बॉक्स है और सैडल स्टे, बाकी जो भी आपने करके दिया है बहुत ही दिल खुश हो गया। और एटमोसफेयर कैसा हमारे यहाँ? एटमोसफेयर मतलब एरोमा इज़ सो गुड, आपके स्टाफ ओनर आप ही हो गए, मतलब कोई भी आए मतलब दुख होके नहीं जा सकता, ऑलवेज खुश होके जा सकता है। तो ऑलवेज हैप्पी है। हाँ जी हाँ जी। तो कोई और आना चाहे हमारा भाई बंधु, क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? नहीं मैं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी होंगे तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि इसी दुकान पर आए, कुछ भी लगाना हो या फिर आइडिया चाहिए तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी दुकान पर आए। चलो थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए मिस्टर थापा जी, थैंक यू। और ये थे इस बाइक के ऑनर जिन्होंने अपनी बाइक का काम कराकर हैप्पीनेस फील कराया हमें भी, और शायद आपको भी, और खुद तो भैया हैप्पी है ही है। और आपको भी कराना है ऐसा अपनी किसी बाइक के अंदर काम तो आप आ सकते हो आपके अपने शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोलबाग नाइवेल के अंदर। जब भी आते हो एड्रेस लोकेशन वैसे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, बाकी अगर वो डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहते तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217714, राजू भाई जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉल करेंगे व्हाट्सअप करेंगे, रिप्लाई आपको हैंड टू हैंड आएगा। जैसे कि हमारे कस्टमर का क्वारीज जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंगली मैं करता भी हूँ। और बाकी करना क्या हुआ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और आने से पहले एक चीज़ और ध्यान दें हमेशा, आप अंदर जाने की सोचे मार्केट के अंदर, क्योंकि बाहर मेन रोड पर मेरी शॉप मिलती है झंडावल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट हनुमान जी की विशाल मूर्ति, वहाँ पर आकर समझ लो आगे तो मेरी शॉप पे इजीली पहुँच गए, क्योंकि वहाँ से मात्र 100 मीटर की रेंज पड़ती है मेरी शॉप की। जैसे ही आप गोल चक्कर पर आते हैं, गोल चक्कर के सामने एक रोड जा रहा है आर्य समाज रोड, इस रोड आर्य समाज रोड में इसमें बहुत सारे रास्ते आते हैं, इधर से बिडनपुरा इधर ही है, कार मार्केट इसी रोड से निकलोगे, बाइक मार्केट इसी रोड से निकलोगे, नाइवलैंड इसी रोड, तो सब सारा जो जितना भी आप जाते हो ना यहाँ से, ये सब आर्य समाज रोड से ही जाओगे। और जैसे आप आओगे ना अंदर आर्य समाज रोड पर, तो पहले ही चौक पर मेरी शॉप मिल जाएगी आपको राजू भाई के नाम से। तो वीडियो चलेगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें राजू भाई स्टडी को, बाकी यूट्यूब पर मिलेगा, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।